मैंने हाल ही में कई स्टूडेंट से पूछा और सवाल ये पूछा कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स पसंद करते हैं या इंडियन नेवी ज्वाइन करना। तो उन ज़्यादातर बच्चों ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया और जवाब क्या दिया कि सर इंडियन नेवी पसंद करते हैं। मैंने फिर उनसे सवाल पूछा कि आप इंडियन नेवी यदि पसंद करते हो तो इंडियन नेवी क्यों पसंद करते हो। तो उन्होंने जवाब दिया नॉर्मली जवाब कि सर वहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल और मेडिकल तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि जो एयरफोर्स में भी फिजिकल और मेडिकल और पेपर होता है फिर आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी तो एक बेस्ट जॉब है, वो भी तो इंडियन इंडियन डिफेंस का ही एक पार्ट है। तो उन स्टूडेंट ने जवाब दिया कि क्योंकि सर उसमें जिड्डी होता है। क्या होता है? जिड्डी होता है। तो ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ से घबरा गए कि सर जिड्डी होता है, हम हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हैं जिड्डी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे लिए नेवी बेस्ट है। लेकिन नेवी ने तो कोई ऑप्शन ज़्यादातर छोड़ा ही नहीं, क्योंकि नकल के मारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी है जिसके कारण वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यह उन एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल वीडियो है जो जिड्डी में हमेशा ही डरते हैं, ठीक है? तो उनके लिए सबसे मोटिवेशनल है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके अनुसार वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे हैं जो कमेंट आया पिछली में वीडियो में मैंने बताया था कि जिड्डी यहाँ पर कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहता है, तो कईयों ने जवाब दिया। और ज़्यादातर बच्चे हैं इंडियन एयरफोर्स को छोड़कर इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स है उसमें जिड्डी क्लियर नहीं होता, आपकी बार 60% बच्चे बाहर निकले, हमारा नंबर कहाँ आएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी न पाले और आप इंडियन एयरफोर्स की जो जिड्डी है उसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए अब नहीं होगा एयरफोर्स XY ग्रुप में जिड्डी या ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पर वास्तव में नहीं होगा, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए पहले जो जिड्डी होता था, पहले जो एयरफोर्स में इंटरव्यू होता था, जिड्डी होता था, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ होता था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था बच्चों के लिए उसको क्लियर करना। लेकिन अब वास्तव में जो जिड्डी होता है एयरफोर्स में वो बहुत ही नॉर्मल होता है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को यहाँ पर हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और आपका जो जिड्डी है मैं क्लियर रूप से करवाऊंगा, ठीक है? वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो प्रोवाइडेड होगी, इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको कैसे देना है, इसके साथ ही कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यदि कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ के गए तो आपको कैसे उस टॉपिक को उसी 5 से 7 मिनट के अंदर बेस्ट तरीके से हैंडल करना है, कैसे वहां पर जज करना है कि कौन सा वहां पर जो गरुड़ कमांडो ऑफिसर बैठा है वो आपको कैसे सिलेक्ट करेगा, उनकी भी कई खासियत वहां पर मिल जाती है जो आपको पकड़नी है, ठीक है? तो ये 2-3 पॉइंट होंगे कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा देना है, दूसरा आपको कैसे जज करना है, तीसरे नंबर पर वो बिहेव भी आपको थोड़ा सा पता लगाना है कि कौन सा गरुड़ कमांडो जो ऑफिसर्स हैं वो आपके वहाँ पर जिड्डी ले रहा है और आपके कैसे क्लियर करना है। तो यही आपके लिए वीडियो थी कि जो पहले जिड्डी है वो वास्तव में अब वैसा जिड्डी नहीं है। आप सोच रहे कि नू समझ लो जिड्डी बाहर ही है, पहले जो जिड्डी होता थे वो बहुत टफ होते थे जो इंटरव्यू होते थे, लेकिन अब जो जिड्डी होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का हताश निराश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, मैं उनके लिए मोटिवेट कर रहा था जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिड्डी को क्लियर नहीं कर पाए। भाई मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला स्टूडेंट ही था और लेकिन मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो अपना जिड्डी है उसको क्लियर किया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जिड्डी को, और उससे मुझे कुछ मतलब इतना पढ़ना भी नहीं आता था, मतलब जिड्डी को क्लियर करना, लेकिन मैंने अच्छी तरीके से वहां पर बोलने के तरीके ही कॉन्फिडेंस बताया दूसरे जो बच्चे बोल रहे थे और वे अच्छी तरह नहीं बोल पा रहे थे, जिस कारण मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। मतलब आसपास के सराउंडिंग से भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था और पिछली वीडियो थी और इस वीडियो में तो यही बात करना चाहता हूँ कि जो जिड्डी है नू समझ लो हट सा गया है, उसमें कोई आपको ज़्यादा टफता नहीं नजर आएगी, ठीक है? तो जिड्डी को नो मानिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको तैयारी करवाऊंगा बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपका, जैसे ही एग्जाम क्लियर होगा 1-1.5 महीना बेस्ट से बेस्ट जिड्डी के कॉन्सेप्ट, जिड्डी के ट्रिक्स और वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ प्रोवाइडेड करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आप कंटिन्यू मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि हमारा एयरफोर्स में जिड्डी नहीं होगा, ठीक है? तो आपके साथ बने रहते हैं। और पिछली वीडियो है उसमें कई बच्चे देखिए जो हताश हो गए थे नेवी का रिजल्ट आया, लेकिन यदि मेरी एक वीडियो से 10 बच्चे भी जो पहले हताश थे और 10 बच्चे में यदि उत्साह आया, उनमें कॉन्फिडेंस आया, तो मैं अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चों ने देखिए, कई बच्चों ने कहा गिव सम जीडी ट्रिक्स, सर जीडी की इंग्लिश में होती है, हिंदी में ठीक है थोड़ा बताइए, मतलब पीछे बच्चों में वास्तव में कॉन्फिडेंस आया। हाँ सर जिड्डी की तैयारी करा दीजिए, मैं घर से ही ऑनलाइन रीड करता हूँ, ठीक है? तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखने को मिला और कई बच्चे यहाँ पर
कॉन्फिडेंस है उनमें आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मत सोचे कि एयरफोर्स में GDVT नाम की कोई चीज़ है, आप अच्छी तरह की यदि इंग्लिश भी सीख जाते हैं वो मैं क्लियर करवा दूंगा, तो आप GD आराम से बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, आप में कॉन्फिडेंस आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे भी उनको अच्छा फील हो और भी GD की तैयारी जुड़ जाए, क्योंकि हमें आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।